दोस्तों अभी की बहुत बड़ी खबर निकल के आई है अयोध्या राम मंदिर से। जी हाँ, गर्भगृह में कब रखे जाएंगे रामलला, खुदाई में मिली हुई मूर्तियाँ कहाँ रखी जाएंगी, तो दोस्तों बताएंगे इस खबर को विस्तार से। मगर इससे पहले हमारी इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को ऐलान किया। एक संवाददाता सम्मेलन में संबोधित करते हुए चंपत राय ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी दोपहर 12:20 पर शुरू होगी और दोपहर 2 बजे समाप्त होगी। उन्होंने कहा धार्मिक अनुष्ठान 16 जनवरी से शुरू होगा जो 21 जनवरी तक चलेगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी वह पत्थर की बनी होगी और उसका वजन लगभग 150 से 200 किलोग्राम की होने की उम्मीद है। 18 जनवरी को मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में अपने स्थान पर स्थापित किया जाएगा। चंपत राय ने बताया कि राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी जिसमें प्रभु राम की प्रतिमा 5 साल के बालक के रूप में है। मैसूर में रहने वाले अरुण योगीराज की बनाई गई मूर्ति को गर्भगृह में रखा जाएगा। इसके साथ ही वर्तमान में जो भगवान राम की मूर्ति मंदिर में स्थापित है उसे भी गर्भगृह में ही रखा जाएगा। उन्होंने आगे कहा राम मंदिर के अनुष्ठान में 121 आचार्य शामिल होंगे। गर्भगृह में पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी, सर संचालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महंत नृत्य गोपाल दास और महाराज अभित्रष्टि, 150 से अधिक परंपराओं के संत, 50 से अधिक आदिवासी जनजाति परंपराओं के उपस्थिति रहेंगे। चंपत राय ने कहा कि 22 जनवरी को दोपहर 1 बजे के बाद मोहन भागवत और पीएम का संबोधन हो सकता है और इस पूरे कार्यक्रम में करीब 65 से 75 मिनट लग सकते हैं। उन्होंने कहा प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर सुबह 10 बजे से मुहूर्त के ठीक पहले तक मंगल ध्वनि का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान भारत के विभिन्न राज्यों में 25 प्रकार और दुर्लभ वाद्यांश यंत्र से मंगलवाद होंगे। जनसत्ता की न्यूज़।